हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर कमर्शियल एप्लीकेशन। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज जुड़े हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, तो उन ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अब वन बाय वन वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट ग्लूकोनिक एसिड्स। सो गाइज, व्हाट इज ग्लूकोनिक एसिड? ग्लूकोनिक एसिड एक माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड होता है। माइल्ड मतलब एकदम हार्श नहीं होना चाहिए, जो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाए, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड है। और ये ऑर्गेनिक एसिड जो ग्लूकोनिक एसिड है, ये एक नॉर्मली ग्लूकोज से फॉर्म हुआ हुआ है। उसके एज अ नेम सजेस्ट, जैसे हम उसके नाम से ही देख सकते हैं कि उसमें ग्लूको आ रहा है, मीन्स इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द ग्लूकोज कंपाउंड। तो क्या होता है गाइस, ग्लूकोनिक एसिड जो है इसको हम पेंटा हाइड्रोक्सी कैप्रोइक एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो ग्लूकोनिक एसिड है ये प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज से थ्रू सिंपल डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से, और जिसको एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज कंट्रोल करता है। ये हम आगे देखेंगे कि उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। पहले हम लोग ग्लूकोनिक एसिड के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख सकते हैं। तो गाइस क्या हुआ था, 1870s में हेल्सीविट्स और हाबरमैन एक दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लूकोनिक एसिड के बारे में स्टडी किए थे। और 1922 में मोलियार्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लूकोनिक एसिड का प्रोडक्शन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, जो एक फंगजाय है, वहाँ से उसका प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कवरी किए थे। अब ये ग्लूकोनिक एसिड है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये ग्लूकोज से बनता है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि हम फॉर्मूला देखते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाता है ग्लूकोज फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तब हम उसे ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। तो ग्लूकोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब क्या बन चुका है? C6H12O7। तो गाइस ग्लूकोनिक एसिड जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे आयोनिक फॉर्म में, सॉल्ट्स फॉर्म में। आयन फॉर्म में रहेगा तो उसको हम ग्लूकोनेट्स आयन कहेंगे, और सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग ग्लूकोनेट्स कहेंगे। और ये जो आयन और सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये न्यूट्रल पीएच पे ही फॉर्म हो जाता है। न्यूट्रल पीएच मतलब जिसका पीएच 7 हो, नियर 7 होता है, उसको हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं। तो ग्लूकोनिक एसिड जो होता है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं ए वाला स्ट्रक्चर, वो ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अभी ग्लूकोनिक एसिड जो होता है मोस्टली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है थ्रू ग्लूकोज। बट मोस्टली स्टडीड जो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया गया था वो एस्परजिलस नाइगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जिसके थ्रू हमने इसको मोस्टली उस घर से प्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्लूकोनिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर। अब एस्परजिलस नाइगर ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कराता है। अब लैब में क्या करते हैं, एक कल्चर मीडिया लेते हैं और उसमें ग्लूकोज को ऐड करके और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाव करके हम फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। फर्मेंटेशन के टाइम पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, वो एंजाइम जाके एक्ट करेंगे उनके प्रोसेस पे और उसको ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करा देंगे। बेसिकली होता क्या है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए
सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब जो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, जो कार्बन नंबर वन मतलब एकदम टॉप पे जो ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो ग्रुप को क्या करेंगे, बीटा ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करा देंगे, और वहाँ से वो उसको कन्वर्जन के बाद ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। अब गाइस ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो C6H10O6 मॉलिक्यूलर, जैसे कि ये स्लाइड में हम देख सकते हैं कि साइक्लिक फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ये गाइस जो ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर हाइड्रोलाइज होता है और इसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये होगा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सब हम डिटेल में अब देखेंगे वन बाय वन कि कैसे होता है। तो गाइस स्टार्टिंग होता है कि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्जन होता है बीटा फॉर्म। अब अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज है, उसको हम लोग बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करा देंगे। और ये कन्वर्जन करने के लिए हम लोग को एस्परजिलस नाइगर, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एक म्यूटायरोटेज एंजाइम सीक्रेट करता है जो इनिशिएट करता है रिएक्शन को, और इनिशिएट मतलब अल्फा फॉर्म को बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब सेकेंड स्टेप क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज आता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो प्रेजेंट है एस्परजिलस नाइगर में वो आके सेल्फ रिडक्शन में चला जाता है बाय रिमूवल ऑफ 2H+ आयंस। अब गाइस सेल्फ रिडक्शन मतलब क्या होता है, मतलब वो खुद, मतलब कोई और उसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो खुद से रिड्यूस हो जा रहा है। खुद से रिड्यूस होना मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे कि FAD से FADH2, मतलब FAD से हाइड्रोजन निकल चुका है और FADH2 में नीचे आके जॉइंट हो गया है, तो इसको हम सेल्फ रिडक्शन कह रहे हैं कि कोई और नहीं करा रहा है, वो खुद ही हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस होता है बाय सेल्फ रिडक्शन, अंडरगोइंग बाय सेल्फ रिडक्शन। अब क्या होता है गाइस कि ये जो अभी रिडक्शन हुआ वो फिर अंडरगो होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कि फर्दर वहाँ से अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा रिमूव होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर से ऐड हो चुका है, जैसे कि O2 जो था वहाँ पे जाके नीचे H2O और फॉर्म करता है H2O2। मतलब हमने क्या देखा कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो एंजाइम था एस्परजिलस नाइगर, उसने सेल्फ रिडक्शन कराया खुद से और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब एक बार उसने पहले हाइड्रोजन को निकाला और फिर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और उससे फॉर्म हो गया H2O2। H2O2 जो फॉर्म हुआ वो बाय प्रोडक्ट है और उससे उस पर कैटलेज एंजाइम एक्ट करता है, जो वो भी एस्परजिलस नाइगर से ही प्रोड्यूस हुआ है। अब H2O2 तो फॉर्म हो गया, अब H2O2 पे कैटलेज एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो गया। अब ग्लूकोनो डेल्टा इलेक्ट्रॉन से हमको ग्लूकोनिक एसिड बनाना है। अब ग्लूकोनिक एसिड बनाने के लिए ग्लूको डेल्टा इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूको डेल्टा इलेक्ट्रॉन से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। गाइस हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूको डेल्टा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलीमर, मतलब जो बहुत लॉन्ग चैन है उनको सिंपल चेन, मतलब सिंपल सिंगल यूनिट में ब्रेक करने का काम हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब वाटर को यूज़ करके लंबा चेन रहेगा तो उसको सिंगल सिंगल यूनिट में ब्रेक कर देगा, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस होता है ग्लूको डेल्टा इलेक्ट्रॉन को और वहाँ से ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोडक्शन करने के लिए लैक्टोनेस एंजाइम का यूज़ होता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब ये लैक्टोन जो होता है उस
को क्लीवेज करने के लिए वो न्यूट्रल पीएच पे तो क्लीवेज हो ही रहा है, लेकिन लैक्टोन जो है उसको कौन क्लीवेज कर रहा है? वो तो हम कह रहे हैं कि ब्रेक तो हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूको डेल्टा लैक्टोन का हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है, लेकिन वो उस लैक्टोन जो है उसको क्लीवेज करने के लिए हम लोग एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे दो सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, वो जाके लैक्टोन को ब्रेक करेगा और वहाँ से ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। गाइस अब तो मीडिया में ग्लूकोनिक एसिड तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये ग्लूकोनिक एसिड जो है अब कभी ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली सिक्रीट होते रहे, या तो कम हो गया तो क्या करना है? तो ऐसे टाइम पे दो कंडीशन होता है, या तो ज़्यादा प्रोडक्शन या तो कम प्रोडक्शन। अगर ज़्यादा लैक्टोन फॉर्म हो रहा है मीडिया में तो इट गिव्स निगेटिव इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, मतलब ये जाके निगेटिव इफेक्ट करेगा कि भाई ज़्यादा हो रहा है अब थोड़ा बंद करो, तो उसके लिए निगेटिव इफेक्ट देगा रेट ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन को, कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होगा तभी ग्लूकोनिक एसिड, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो तभी ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो वो जाके ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के रेट को रोकेगा जिससे ग्लूकोनिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा और मीडिया में नॉर्मल अमाउंट में बनेगा। अगर कम हो जाए, अगर सपोज़ कम हो रहा है प्रोडक्शन, तो लैक्टोन जो हो का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो एस्परजिलस नाइगर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूकोनोलैक्टोनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोन डेल्टा लैक्टोन टू ग्लूकोनिक एसिड, मतलब ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन से ग्लूकोनिक एसिड के रेट को इंक्रीज करेगा। कौन करेगा? ग्लूकोनोलैक्टोनेज एंजाइम, और इससे ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड जो हो रहा है ये डायरेक्टली लिंक्ड विद ग्लूकोज ऑक्सीडेज, मतलब जितना ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा उतना ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होगा, और इसके दो की पैरामीटर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन को, जैसे कि पहला ऑक्सीजन वायबिलिटी, कितना ऑक्सीजन है हमारे मीडियम में, और दूसरा पीएच ऑफ कल्चर मीडियम, कितना पीएच है कल्चर मीडियम का। गाइस इट्स ऑल अबाउट कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड्स। अब ये रिटन फॉर्म में है, आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है अगर आपको चाहिए तो आप इसे पॉज करके यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन एप्लीकेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड्स। सो गाइस ग्लूकोनिक एसिड जो होता है वो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है। अब ये ग्लूकोनिक एसिड जो है वो नॉन करोजिव एजेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉन करोजिव, मतलब इन द नॉन करोजिव है, नॉन वोलेटाइल, नॉन टॉक्सिक, मतलब वो हार्मफुल नहीं है ऐसा कि, और हार्श नहीं है कि हमारे बॉडी को जाके इफेक्ट करेगा, मतलब नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा एसिड नहीं है। ये हमारे बॉडी के लिए सुटेबल है, हम इसको इजीली इनटेक कर सकते हैं फूड के साथ, तो और इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, सूर टेस्ट होता है। और ये ग्लूकोनिक एसिड जो होता है वो कहाँ मिलता है, वो हमको प्लांट्स में, फ्रूट्स, फूड स्टफ, राइस, मीट्स, डेरी प्रोडक्ट्स, वाइन, हनी, विनेगर, ऐसे ऐसे सब्सटेंस में ग्लूकोनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हमको ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जैसे कि बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं हम, सोडोमोनास, एसिटोबैक्टर, ग्लूकोनोबैक्टर, अगर फंजाई यूज़ कर रहे हो तो एस्परजिलस नाइगर, पेनिसिलियम फ्यूरिकुलोसम, ईस्ट यूज़ कर रहे हो तो ऑरियोबैसिडियम, ऐसे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम ग्लूकोनिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रॉम ग्लूकोज से। अब इसका एप्लीकेशन ये कहाँ यूज़ होता है, तो पहला ग्लूकोनिक एसिड
जो यूज़ होता है प्रिवेंशन ऑफ मिल्क स्टोन इन डेयरी इंडस्ट्रीज, मतलब कि डेयरी इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे मिल्क स्टोन मतलब मिल्क का क्लॉटिंग ना हो उससे बचाने के लिए हम लोग ग्लूकोनिक एसिड यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम स्केन्स जो होते हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन जो फॉर्म हुआ था उसका यूज़ होता है मीट प्रोसेसिंग में। कोगुलेशन ऑफ सोयाबीन प्रोटीन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टोफू, चीज़ में यूज़ होता है, कर्ड्स बनाने में यूज़ होता है। जो सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड्स होते हैं उनका यूज़ डिटर्जेंट में होता है, इन अ बॉटल वॉशिंग, सीमेंट में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। आयरन सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में भी होता है। गाइस जो ग्लूकोनिक एसिड है वो तो माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड है, माइल्ड मतलब हार्श ऑर्गेनिक एसिड है, जो फूड एंड हार्श नहीं है सॉरी जो हार्श नहीं है ऐसे एसिड्स हैं, तो फिर वो हम लोग फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने देखा हनी में, पिकलिंग ऑफ फूड्स में, फिर कहीं कहीं स्वीटिंग में, मतलब इनिशियल स्टेज पे वो स्वीट होता है तो स्वीटनर में एज अ स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड बेकिंग फूड्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में, और कॉटेज चीज़ ब्रेड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इसका एप्लीकेशन है। गाइस इट्स ऑल अबाउट ऑन ग्लूकोनिक एसिड्स। अब बाय, आज यही हम ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगे आपको हेल्पफुल लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, विल मीट यू सून।